प्रत्याशी बदलने से परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? आराम से आराम माई नीचे करो। आपकी कून में सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूँ कि आप शीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देगी। मैडम ये बताइए, प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का, प्रत्याशी बदलने का परिणाम पर क्या असर पड़ेगा? मैडम मैडम कुछ बोलेंगे? स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से अपनी बातें वहां पर रख दी गई हैं। मतदान के बाद 55,000 वोटों से राहुल गांधी जो तीन बार के सांसद थे अमेठी के, उनको हराया था 2019 में। इस बार की परिस्थिति क्या रहेगी देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन 25 सालों के बाद यह पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई भी चेहरा नहीं है अमेठी में। अब यहां पर केएल शर्मा कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने पेश कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।